नमस्ते, मैं हूँ आशुतोष और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। प्रीमियम ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस की फेयर लिस्ट सामने आ गई है। फेयर लिस्ट मतलब किराए वाली लिस्ट। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक रेल ऑफिशियल्स ने इस बारे में बताया है। दिल्ली से बनारस के बीच एसी चेयर कार यानी सीसी के लिए यात्रियों को 1,850 रुपये और एग्जीक्यूटिव क्लास यानी ईसी के लिए 3,520 रुपये खर्च करने होंगे। बनारस से दिल्ली के लिए चेयर कार की टिकट 1,795 रुपये और एग्जीक्यूटिव चेयर कार की टिकट 3,470 रुपये की होगी। इस किराए में कैटरिंग चार्ज भी जुड़े हुए हैं। सोर्सेज के मुताबिक इतनी दूरी के लिए शताब्दी ट्रेनों के किराए की तुलना में वंदे भारत एक्सप्रेस के सीसी का किराया 1.5 गुना और प्रीमियम ट्रेन में फर्स्ट क्लास एसी सिटिंग के किराए से ईसी का किराया करीब 1.4 मतलब 1.4 गुना ज़्यादा है। भारतीय रेलवे की सबसे तेज़ रफ्तार ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस 15 फरवरी से शुरू हो रही है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को पहली यात्रा पर रवाना करेंगे। अपने पहले सफ़र पर यह ट्रेन नई दिल्ली से बनारस जाएगी। बाकी दिनों में नई दिल्ली से चलने का इसका समय होगा सुबह के 6 बजे। वाराणसी से दोपहर 3 बजे ये दिल्ली के लिए चलेगी। वंदे भारत एक्सप्रेस में 14 डिब्बे सीसी और 2 ईसी के होंगे। ईसी में 18 लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी जबकि सीसी में 56 यात्री बैठ पाएंगे। ट्रेन के हर कोच में 6 सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे। ट्रेन की बॉडी स्टेनलेस स्टील से बनी है। ट्रेन में वाईफाई, LED लाइट्स, पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम भी है। सीटें 360 डिग्री रोटेबल होंगी मतलब घूमने वाली, और ये स्पेशली स्पेन से मंगाई गई हैं। स्पेन का नाम सुनते ही कान खड़े हो गए हैं क्योंकि इसको मेक इन इंडिया के तहत बनाई रेलगाड़ी कहकर प्रचारित किया जा रहा है। ब्लंडर हैं कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहे। अभी एक दिन पुराना ब्लंडर ठंडा भी नहीं पड़ा है। वो देखा ही होगा कि रेल मंत्री पीयूष गोयल ने एक वीडियो ट्वीट कर दिया था वंदे भारत एक्सप्रेस का। कैप्शन लिखा था, देखिए भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन जिसे कि मेक इन इंडिया अभियान के तहत बनाया गया है। देखिए वंदे भारत एक्सप्रेस किस तरह रोशनी की रफ्तार से भाग रही है। एक तो वहीं पर लोगों ने झूठ पकड़ लिया था, बता दिया था कि वीडियो एडिटेड है और इसकी स्पीड 2 गुनी बढ़ाई गई है, ट्रेन की नहीं वीडियो की। हमारी पड़ताल में भी यही सामने आया, गुरु धोखा तो हो गया है। इतनी फजीहत के बाद भी ये वीडियो बनने तक पीयूष गोयल का वो ट्वीट डिलीट नहीं किया गया है, ना ही उसके लिए सॉरी वगैरह बोला गया है। आपको जो समझना है समझते रहो, अभी तो किराए की बात करो। इसी से जाना चाहोगे कि फ्लाइट से? हमको मत बताना, हमें तो बस इस वीडियो के बारे में बताना कमेंट करके, वो भी नीचे। और वीडियोस देखने हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, हमारे ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए। थैंक यू।